नाज़रीन जंग में वक्फा कर दिया गया है और अब सबके लिए अच्छी खबर यह है कि फलस्तीन ने इस जंग का पहला मरहला जीत लिया है, एक फाते साबित हुए हैं, जबकि इसराइल को एक इबरतनाक शिकस्त उठाना पड़ी है। वो जो टैंक, बिल्डोजर और जहाज लेकर निकले थे कि हम गजा को सफाए हस्ती से मिटा देंगे, इसे जमी बोस कर देंगे, आज उनका गुरूर खाक में मिल गया है और वो पूरी दुनिया के सामने जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी फतह हुई है, जंग में जो वक्फा किया गया है वो कितनी बड़ी शिकस्त है इनके लिए, और साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि ये इस जंग का सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर हम आकर खड़े हो गए हैं और जंग रुकने वाली नहीं है। वक्फा जरूर किया गया है लेकिन ये जंग नहीं रुकी है अभी तक। दोनों अतराफ से जो हाथ हैं वो ट्रिगर पर हैं और किसी भी वक्त इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी हो सकती है, किसी भी वक्त ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और अगर इस मुआहदे के दरमियान ना भी शुरू हुई तो आज से चार दिन बाद इससे भी ज्यादा खूनखार जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि ये एक फैसला कुन जंग है और जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज साबित हो गई कि फलस्तीन ने फतह हासिल की और इसराइल को शिकस्त हुई, क्योंकि हमेशा जो हार रहा होता है वो समझौते की तरफ आता है, वही शरायत मानता है, ना कि फाते। फाते शरायत नहीं मानते, फाते जो होते हैं वो समझौते नहीं करते, हमेशा जिनको शिकस्त होती है वो समझौते करते हैं। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो मुआहदा हुआ है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फलस्तीन ने मनवाई हैं, वो मजामती तहरीक की कंडीशंस थी जिसको इसराइल ने माना है और तीन गुना फलस्तीन ने फ़ायदा लिया है। तो ये सारे अहम तरीन हकायक मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गजा की सूरत हाल बता देता हूँ कि जंग रुकने के बाद, बमबारी रुकने के बाद लोग कैसा फील कर रहे हैं। 48 डेज मुसलसल बमबारी जारी रही, इंतहाई ये दर्दनाक और खूनखार ये बमबारी थी, हज़ारों लोग मलबे तले दब गए, हज़ारों शहीद हुई, 15,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, 2,000 से ज़्यादा अभी तक मलबे तले दबे हैं, 40,000 प्लस जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो अभी आप देखिए कि सेंस ऑफ हैप्पीनेस बट आल्सो फेयर ऑफ वॉर अगेन, के लोगों में थोड़ी सी हल्की सी खुशी आई है लेकिन साथ साथ ये डर भी है कि दोबारा ये किसी भी वक्त शुरू ना हो जाए। पीपल आर रिजॉइसिंग कि थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन वो डर अभी तक वहीं पर कायम है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसराइली आर्मी की फोर्सेस हैं वो विड्रॉ उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो उन्हीं लाइंस पर मौजूद है जहां पर उनकी प्रेजेंस थी बॉर्डर्स के साथ साथ, वो वहीं पर मौजूद हैं। और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी बंदा, कोई भी फलस्तीनी साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ ना आए, यानी इस वक्फे में ऐसा नहीं है कि लोग अपने घरों को लौट जाएंगे, जो साउथ में हैं वो साउथ में ही रहेंगे और नॉर्थ में वो वापस नहीं जा सकते हैं, अगर वो गए तो मुमकिन है कि वहाँ पर उनको मारा भी जा सकता है। तो उनकी फोर्सेस वहीं पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो मजामती तहरीक है वो भी उसी ऑपरेशनल स्टेटस में मौजूद है, उनके हाथ उसी तरह से ट्रिगर पर हैं, वो मुकम्मल तौर पर उसी तरह तैयार हैं जिस तरह वो जंग में आज से 2 घंटे पहले थे, वो बिल्कुल तैयार है कि किसी भी वक्त कोई भी लम्हा ऐसा आ सकता है जिसमें मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो सकती है। तो दोनों जो फोर्सेज हैं वो ऑपरेशनल कंडीशन में हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि अब जब जंग रुकी है तो वक्फा हुआ है यानी कि, तो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आएगा, कम्युनिकेशन थोड़ा सा खुलेगी, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ फलस्तीनियों के लिए ये होगी कि उनके असल हकायक मजीद सामने आएंगे, दुनिया को पता चलेगा कि यहाँ पर इन्होंने किस तरह वहशियाना बमबारी की, कितनी तबाही हुई, वहाँ के जो फलस्तीनी हैं उनकी स्टोरीज हम तक पहुँचेंगी और इनकी जो शिकस्त की दास्तानें हैं वो हम तक पहुँचेंगी। तो ये इस जंग के वक्फे में सबसे एक अच्छी चीज़ फलस्तीनियों के लिए होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी ये इबरतनाक शिकस्त किस तरह से है और फलस्तीन ने वो मजामत दिखाई है जो इतने ज्यादा अरब भी नहीं दिखा सके, इतने वसायल, फिजाइया, नेवी और दौलत के बावजूद भी वो इसराइल को इस तरह से टक्कर नहीं दे सके और उनके गुरूर को इस तरह से नई खाक में मिला सके और उनकी फौज को इस तरह उन्होंने नाको चने नहीं चबाए जिस तरह से इस मजामती तहरीक ने किया है, और इसराइल को एक इबरतनाक शिकस्त दी है और आने वाली दहाइयों तक भी वो ये चीज़ मिटा नहीं सकेगा, जो उस पर शिकस्त का धब्बा लगा है वो ये धब्बा साफ नहीं कर सकेगा और अपनी दोबारा से वही इमेजिनरी उसकी पावर है उसको रीगेन करने में उसको दहाइयाँ लग जाएंगी, अपनी वही आलमी शोहरत बरकरार रखने में उसको दहाइयाँ लग जाएंगी, इतना बड़ा डंट उसमें डाला गया है। और आप ये भी देखें ना कि क्या इसराइली को इतने रहमदे लोग हैं एकदम से, या उनमें बड़ी कोई वैल्यूज़
आ गई या वो इंटरनेशनल लॉ के अचानक से पाबंद हो गए कि वो खाना पानी अंदर आने दे रहे हैं, फूड और एड अंदर आने दे रहे हैं और बमबारी उन्होंने रोक दी है, तो ये दरअसल शिकस्त हुई है जिसने उनको माहदे पर मजबूर किया है और वो ये सारे स्टेप ले रहे हैं। वो कोई रहम दिल तो नहीं है, उनको क्या लगे कि उनको खाना पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, वो तो वैसे ही नस्ल खुशी पर कर रहे हैं और इनको हमेशा सफस्ती से मिटाना चाहते हैं, उनको क्या लगे कि इनको कोई पानी मिले या इनको मेडिसिन मिले या जख्मियों का इलाज हो, उनको तो इससे कोई सरोकार नहीं है। तो दरअसल वो मजबूरी थी जिसने उनको इस स्टेज पर लाकर खड़ा किया कि वो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मानने पर मजबूर हुए हैं। अब जरा इसराइली वॉर कैबिनेट का बयान देखिए जिसमें उन्होंने क्लियरली एडमिट किया है कि द इसराइली आर्मी ऑपरेशंस आर व्हाट पुशिंग टुवर्ड्स द एग्रीमेंट, कि जो यहां पर उन्होंने ऑपरेशंस किए, जो फेलियर हुआ, उसने हमें पुश किया है इस एग्रीमेंट की तरफ, और ये उनकी वॉर कैबिनेट कह रही है। अगर वो कोई काबिले कदर कामयाबी लेकर आते तो फिर हम कभी भी इस एग्रीमेंट की तरफ ना जाते। आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है, इस मायदे का, और किस तरह से शरायत रखी जाती रही और ये डबल होती रही। मैं थोड़ी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। जो सबसे पहला एक प्रपोजल सामने आया था, देखें मजामती तहरीक तो जंग नहीं चाहती, ये जंग तो आपने उन पर मुसल्लत की है, वो तो जंग चाहते ही नहीं है, तो वो तो हमेशा से कह रहे थे कि जंग बंदी होनी चाहिए, वक्फा होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। तो जो पहला प्रपोजल सामने आया था वो था इक्वल प्रिजनर एक्सचेंज डील, के मिसाल के तौर पर आप 50 हमारे छोड़ें, हम 50 आपके छोड़ेंगे। अच्छा, इसको इसराइल ने रिजेक्ट किया, और वो ये शुरू के दिनों की बात है क्योंकि इसराइल को लग रहा था कि वो तमाम चीज़ें मलिया मेट कर देगा और हॉस्टेजेस को उनकी उनको परवाह भी नहीं होती, तो वो अपने जोरे बाजू पर थे, अपनी ताकत के नशे में चूर थे। उन्होंने कहा हम नहीं मानते किसी मुआहदे को, अब हम तुमसे मुआहदा करेंगे, हम कमज़ोर दिखेंगे तो मुआहदा हम नहीं करते। अच्छा, इन्होंने कैंसिल किया, फिर नया प्रपोजल आया, उसमें मजामती तहरीक ने डबल कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि अब आप 50 हमारे छोड़ेंगे और हम 25 आपके छोड़ेंगे, पहले हमने बराबर छोड़ने थे लेकिन अब हम बराबर नहीं छोड़ रहे। लेकिन इसराइल ने फिर उसको रिजेक्ट किया और वो आगे बढ़ते रहे। फिर जब हॉस्पिटल्स पर उन्होंने हमले शुरू किए, और फिर मजामती तहरीक ने क्या किया कि जो इनके ऑफिसर्स उन्होंने पकड़े हुए थे, जो कैदी बनाए हुए थे, उनकी जो लाशें हैं वो बिल्डिंग्स में छोड़ना उन्होंने शुरू कर दी। तो उसके बाद ये मजबूर हुए कि मतलब मजामती तहरीक ने इनको कहा कि अगर आप अब एक एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो हर कदम पर तुम्हें तुम्हारे ऑफिसर्स की लाश मिलेगी। तो उसके बाद ये मजबूर हुए और ये मुआहदे की तरफ आए। लेकिन अब मजामती तहरीक ने कहा कि अब इससे भी ट्रिपल होगा, उन्होंने कहा अब 3 गुना होगा, यानी तुम अगर 50 हमारे छोड़ रहे हो तो हम 15 तुम्हारे छोड़ेंगे। तो इस तरह ये मुआहदा हुआ है 3 गुना पर जाकर। फिर आप ये इसराइली मिनिस्टर का बयान देखिए कि इसराइल एक्सेप्ट्स द डिक्टेशन ऑफ याहया सवार। अब ये उनके मजामती तहरीक के लीडर हैं, वो इसराइली मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि इन्होंने, इसराइल ने डिक्टेशन उनकी कबूल की है। तो डिक्टेशन कौन देता है, फातह देता है या मफतू देता है? हमेशा फातह ही डिक्टेशन देते हैं, हमेशा फातह ही की कंडीशंस मानी जाती हैं। तो इसराइली मिनिस्टर खुद ये तस्लीम कर रहा है कि हमने उसकी डिक्टेशन कबूल की, जो इस बात का वाज़े सबूत है कि आपको शिकस्त हुई। फिर आप देखिए कि इसराइली पुलिस प्रिपेयरिंग टू अवर्ट पैलेस्टाइन सेलिब्रेशंस एट अलकुदस, कि इस फतह के बाद ये जो इब्तदाई फतह मिली है, पहले मरहले की फतह मिली है, इसमें जो सेलिब्रेशन फलस्तीनी करने वाले हैं अलकुदस में, उसको अवर्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए पुलिस जो है वो तैयारी कर रही है। फिर आप ये देखिए कि नितन्याहू कॉट इन विंड, यानी नितन्याहू को बांध लिया गया है, और इस बांधने के बाद इस इन सारी चीजों पर मजबूर हुआ है, उसके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं बचे थे। इस डील लेने के बाद, इस डील लेने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। आप मुख्तलिफ फैक्टर्स देखिए कि जिसने उसको मजबूर किया, डोमेस्टिक प्रेशर अलग से था, उसकी हुकूमत शदीद खतरे में थी, लाखों लोग बाहर निकल रहे थे और ये प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। फिर यूएस का प्रेशर अलग से है, और यूएस पर फिर बाकी दुनिया का प्रेशर था, उनके अपने मफादात का प्रेशर था, जो उन पर हमले किए जा रहे थे मिडिल ईस्ट में, जो एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ रहा था, उसके अमेरिका के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे थे, तो वो यूएस पर प्रेशर था, और यूएस ने फिर इन पर, इसराइल पर प्रेशर डाला कि अब डील लेने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तीसरी जो चीज़ हुई और जो एक मेन फैक्टर है, वो फेलियर इन गाजा है, कि अगर इसकी आर्मी का जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो जाता तो फिर भी ये डील ना लेता, ये इस प्रेशर दोनों को हैंडल कर सकता था,
अगर वहां पर कामयाबी मिल रही होती, लेकिन वहां पर भी नाकामी, फिर ये सारे प्रेशर, तो एटलीस्ट उसके लिए सारे दरवाजे बंद थे और उसको ये डील लेना पड़ी। फिर आप इसी आर्टिकल में देखिए कि इसराइल वांट्स टू रीस्टोर इट्स डेटरेंस कैपेबिलिटी विच प्रूव्ड अंटिल नाउ डिस्ट्रक्टिव, कि अब वो एक नए सिरे से जंग छेड़ना चाहते हैं, अब वो नई तैयारी करके आना चाहते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक जो उनके सारे वसायल थे, जो उनकी सारी हिकमत अमली थी, जो सारी चालें थी, वो उल्टी पड़ी हैं और उनके अपने लिए तबाहकुन साबित हुई हैं। तो अब उन्होंने ये डील इसलिए भी ली है ताकि हम चार दिन बैठकर ये सोचें कि अब हमने मजीद आगे किस तरह से बढ़ना है और ये जंग जीतनी किस तरह से है। तो वो ये स्ट्रेटजिकल जो टाइम आउट लिया है उन्होंने खुद लिया है, और हमेशा टाइम आउट हारने वाला लेता है, जीतने वाला नहीं। फिर इसी आर्टिकल में वो कह रहा है कि ओवरऑल द वॉर इज नॉट स्टॉपिंग, दिस विल गो लॉन्ग, दे नॉट अचीव्ड ऑब्जेक्टिव येट, कि ये जंग लंबा चलेगी और अभी तक उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव नहीं किए हैं। फिर आप ये देखिए एक और आर्टिकल में कि इफ़ नेतन्याहू हैज़ अचीव्ड 30% विक्ट्री ही वुडेंट हैव स्टॉप्ड, कि अगर नेतन्याहू को 30% भी विक्ट्री मिली होती, 30% भी कामयाबी मिली होती, तो उसने इस एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाना था, उसने जंगबंदी नहीं करना थी, लेकिन उसको इतनी भी कामयाबी नहीं मिली तो इसलिए वो मजबूर हो गया ये सारी जो एग्रीमेंट है कबूल करने में। फिर आप ये मजामती तहरीक के कमांडर का बयान देखिए कि वी आर सीइंग प्रिजनर एक्सचेंज डील, दे वुडंट एक्सेप्ट इट इफ नॉट लॉस ऑन फील्ड, कि अगर उन्हें फील्ड में, बैटल फील्ड में ये नुकसान ना उठा रहे होते तो वो कभी भी ये डील जो एक्सेप्ट ना करते। फिर आप ये देखिए कि उनका अपर हैंड किस तरह से है मजामती तहरीक का, कि उन्होंने इनके सोल्जर्स अभी तक रिलीज़ नहीं किए, इनके ऑफिसर्स रिलीज़ नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ 20 ईयर से कम जो हैं उसमें औरतें और बच्चे जो शामिल हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा है जो हॉस्टेजेस थी, और इनके जो सोल्जर्स हैं और ऑफिसर्स हैं उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये उन्हीं की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिनको वो चाहते हैं वो छोड़ रहे हैं, जिनको चाहते हैं वो कैद में रख रहे हैं, और जितने चाहते हैं वो अपनी तरफ से छोड़ते हैं, और जितने चाहते हैं उनसे छुड़वा लेते हैं। तो क्लियरली पूरी तरह से जो डोमिनेट कर रहा है, जिसका अपर हैंड है, वो मजामती तहरीक का है। अब जरा मैं आपको बताता हूं, एक तरफ ये लग रहा है कि वक्फा हो गया है, हालांकि ये सबसे क्रिटिकल मोमेंट है और अब ये जंग ज्यादा खूनखार तरीके से दोबारा शुरू होने वाली है, और ये जंग कितना महीनों और साल तक ये लंबा चल सकती है, ये जंग रुकने वाली नहीं है, और इसमें सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर हम इस तरह से आ खड़े हुए हैं कि इस वक्त जो चालें चली जाएंगी, इस वक्त जो तैयारी की जाएगी, वही आपको मजीद फाते बनाएगी, मुकम्मल फाते आपको इस जंग में बनाएगी। तो इस तरह ये जंग का सबसे क्रिटिकल मोमेंट है कि कौन क्या चालें चलता है, और वही चालें उसको आगे चलकर मदद देंगी। तो जंग किस तरह से लंबा चलने वाली है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये आप देखिए कि फाइटिंग विल रिज्यूम विद लार्ज स्केल विद मोर फोर्स, के फाइट जो है दोबारा से शुरू होगी और मजीद फोर्स के साथ और बड़े पैमाने पर शुरू होगी। हालांकि पहले भी इन्होंने सारे वसायल लगाए हैं, लेकिन अब ये इससे भी ज्यादा वसायल अपने यहां पर इस्तेमाल करेंगे और इससे भी ज्यादा ताकत यहां पर लगाने की कोशिश करेंगे। फिर आप मजामती तहरीक का बयान देखिए कि द एनिमी कॉन्टिन्यू एग्रेशन विल बी मोर ब्रूटल, कि अगर ये दोबारा से इसी तरह एग्रेशन शुरू करेंगे तो फिर ये और भी ब्रूटल होने वाला है, ये और भी खूनखार होने वाला है। फिर ये एक और आर्टिकल में देखिए कि इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द वॉर इसराइल विल कम विद मोर फोर्स एंड ट्राई टू डिवाइड गाजा इन फोर सेक्शंस एंड सीज देम। अब अगले मरहले में इनका प्लान क्या है कि जब से दोबारा फाइटिंग शुरू होगी तो हम गाजा को चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे, चार सेक्शंस इसके बनाएंगे और फिर उन चारों सेक्शंस का मुहासरा करेंगे और फिर उन चारों सेक्शंस में अलग से जंग छेड़ेंगे। तो उनको लग रहा है कि अगर ये हम चार सेक्शंस की उनको डिवाइड कर पाते हैं, उनका मुहासरा कर पाते हैं और उसमें जंग अलग अलग से छेड़ पाते हैं तो शायद हमें फतह मिल जाए। तो ये उनकी अलग से कैलकुलेशन है। इसके अलावा आप देखिए कि दोनों फोर्सेस अपनी अपनी पोजीशन पर, ऑपरेशनल स्टेटस पर उसी तरह से मौजूद हैं। उधर हिजबुल्ला अपने ऑपरेशनल स्टेटस पर है, यमन ने जहाज नहीं छोड़ा है और वो मजीद उसी पोजीशन पर है, सीरिया के बॉर्डर पर उसी तरह से गर्मा गर्मी है। तो यह पूरी सूरत हाल बता रही है कि यह कोई मुकम्मल परमानेंट सीजफायर नहीं हुआ, यह थोड़ा सा वक्फा है, और वो क्यों है पीछे मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। और ये बेसिकली सारी वो लॉजिकल और सबूत हैं कि आपको समझ आ जाए कि जंग यहां पर रुकने वाली नहीं। और बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इसराइल की जानिब से आपने ज़हन में रखना है कि इसराइल की एक कोशिश ये भी है
कि इस तरह का वक्फा देकर अवाम का ध्यान जो है वो डाइवर्ट किया जाए, अवाम को दूसरी तरफ लगाया जाए, अवाम की तवज्जो इस जंग से हटाई जाए, क्योंकि बेसिकली जो सबसे एक मेजर फैक्टर इस जंग में साबित हुआ है वो अवाम है, वो पब्लिक ओपिनियन, ये पब्लिक ओपिनियन ही है जिसने दुनिया भर की हुकूमतों को मजबूर किया, जिसने US को मजबूर करके रख दिया और उसने फिर इसराइल पर प्रेशर डाला। तो इसराइल की एक स्ट्रेटजी ये भी है कि वो पब्लिक को यहाँ से इस मुद्दा से डाइवर्ट करे और ये उनको लगता है कि उनको इस जंग में बड़ा फायदामंद साबित हो सकता है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसी तरह ये नेतन्याहू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अगले घंटे शुरू हो गए हैं। अब उसके सर्वाइवल के लिए ये सबसे टफ टाइम है, क्योंकि जंग में उसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसा कि अब वक्फा हो गया है तो अब उसका एक एक घंटा बहुत मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर आप ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का देखिए कि इफ ट्रूस एक्सपेंड नेतन्याहू विल बी ओवरथ्रोन, कि अब नेतन्याहू जो है ये अगर बढ़ता है ये टाइम पीरियड तो नेतन्याहू का एक एक घंटा मुश्किल में है और उसको हुकूमत से फारिग कर दिया जाएगा। तो नेतन्याहू के अपने लिए ये सबसे मुश्किल टाइम है ये जो वक्फा हुआ है, और इसी से आप अगली चीज़ ये समझ लें कि नेतन्याहू के इस डर की वजह से और इस हुकूमत के सर्वाइवल के खतरे की वजह से जंग को दोबारा शुरू करना उसके लिए लाजमी है और इस जंग को लंबा चलना उसके लिए लाजमी है, कि जो जो जंग लंबा चलेगी इसके महाज खुलते जाएंगे, मजीद कंट्रीज़ के साथ वो जंग छेड़ता जाएगा तो उसका इक्तदार लंबा होता जाएगा। जो ही जंग में वक्फा आएगा या जंग कहीं पर रुकेगी तो वहीं पर नेतन्याहू का इक्तदार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है और सबसे मेजर फैक्टर है जंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर यहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत होती जो ख़तरे में ना होती और उसको कोई ऐसा अपने इक्तदार का ख़तरा ना होता तो शायद वो इस जंग की मुकम्मल सिजेशन की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा हुक्मरान बैठा है जिसको लगता है कि उसका सर्वाइवल सिर्फ जंग में है तो वो हर सूरत में जंग को कंटिन्यू करेगा। और जो उसने लास्ट स्पीच किया उसमें भी उसने कहा है कि वी आर एट वॉर एंड वी आर नॉट स्टॉपिंग वॉर, वी विल एंड द वॉर अनटिल द हमास इज एलिमिनेटेड। तो उसका मकसद यह है कि जब तक गजा को मिटा नहीं देते तब तक हम हालत जंग में हैं और बिल्कुल हम इस पोजीशन से चेंज नहीं हो रहे हैं। फिर आप तक एक और अहम चीज़ पहुंचाना है कि हरीट्स ये न्यूज़पेपर है और इसराइल का, इसने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है और इसराइल के जो नुकसान हुए हैं, फौजी हलाक हुए हैं, उसको सामने लेकर आया है। फिर इसने बड़ी अहम इन्वेस्टिगेशन की जिसने दुनिया में खलबली मचा के रख दी, जिसमें यह कहा गया कि जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, जो ये सारा इल्ज़ाम मजामती तहरीक पर लाते हैं कि इन्होंने औरतों और बच्चों को वहाँ पर मारा, हालाँकि इनके अपने हेलीकॉप्टर ने उन पर गोलियां बरसाई और अंधाधुंध गोलियां बरसाई और इन्होंने खुद अपने लोगों को मारा। तो ये बड़ी अहम उसने इन्वेस्टिगेशन की और अब हुकूमत जो है वो उस न्यूज़पेपर को बंद करने जा रही है और उस पर उसको सख्त सजा देने जा रही है उस मैनेजमेंट को। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है इस जंग के हवाले से। अच्छा, आखिर में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज क्या होने वाला है, किस तरह से प्रिजनर एक्सचेंज किए जाएंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई, और वो बड़ा ही दिलचस्प है इस जंग के हवाले से। इसमें यह है कि जो मजामती तहरीक है वो अब 13 इनके जो कैदी हैं उनको रिहा करेगी और रेड क्रिसेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले करेगी, वो इनको लेकर रिफा क्रॉसिंग तक जाएंगे जो इजिप्ट का बॉर्डर है, यहाँ पर वो इसराइली अथॉरिटी के इस हवाले करेंगे उन 13 लोगों को, इसराइलियों को। जबकि जो इसराइल है वो जो फलस्तीनी कैदी हैं उनको हाइफा के साथ एक जेल है वहाँ से रिहा करेंगे और वहाँ से वो वेस्ट बैंक में रामाला वहां पर उनको लेकर जाएगा और वो 39 रिलीज करेंगे। ये आप देखिए कि 3 गुना का फर्क है, इधर इसराइली 13 छोड़े जा रहे हैं जबकि फलस्तीनी 39 छोड़े जा रहे हैं। तो वो 39 वेस्ट बैंक रमाला में लेकर जाए जाएंगे और वहां से फिर उनको फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। तो ये बेसिकली आज का ये एक्टिविटीज होंगी और इसमें जो बड़ी अहम चीज ये है कि फिजाई निगरानी नहीं की जा रही और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया था मजामती तहरीक की जानब से कि कोई फिजाई निगरानी नहीं होगी, कोई ड्रोन नहीं होगा, कोई आपके जहाज नहीं होंगे, क्योंकि आप देखें ना कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस जोर लगाकर भी ये नहीं ढूंढ सकी कि हॉस्टेजेस कहां पर हैं। तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट ये था कि ये कोई फिजाई निगरानी करते और देख लेते कि हॉस्टेजेस को कहां से निकाला जा रहा है, तो इस जंग में वो बड़ा अहम साबित हो सकता था, एक जो है वो टर्निंग पॉइंट इस जंग का साबित हो सकता था, इसीलिए वो फिजाई निगरानी रुकवाई गई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी वहाँ स्काई में कोई ड्रोन, कोई त्यारा, कोई चीज़ नहीं देखी जा रही। तो ये नाजरीन अहम तरीन पॉइंट्स जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं और 2-3 चीज़ें आपने ज़रूर जहन में रखनी है। एक, ये जंग रुकने वाली नहीं है। दूसरा, हम इस जंग के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर खड़े आकर खड़े हो गए हैं। तीसरा,
अब इनका मकसद यह है कि इस टैक्टिकल पॉज के जरिए अवाम का ध्यान डाइवर्ट किया जाए, अवाम को तवज्जो इस जंग से हटाई जाए, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन सबसे बड़ा वेपन इनके लिए साबित हो रहा है। चौथा, मुसाद इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी बड़ी चालें चल रही है कि आपको अंदाजा में नहीं है। इस वक्त उन्होंने यूरोप में एक बहुत बड़ी जंग शुरू करवा दी है, आयरलैंड में इसका आगाज हुआ है, वो अगली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा कि मुसाद अब यूरोप में जो जो कंट्रीज इसके खिलाफ खड़े हुए हैं उसके खिलाफ किस तरह से जंग शुरू करवा रहा है और अब ध्यान दूसरी तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है और ये दुनिया को और यूरोप को बताना चाह रहा है कि अगर तुम लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो फिर हम तुम्हारा ये वाला हशर करेंगे। तो ये अहम तरीन चीज़ें हैं। और अरबों की जानिब से किस तरह से मजामती तहरीक को कहा गया है कि हथियार डाल दो और उन्होंने इनकार किया है, ये अहम तरीन तफसीलात अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी राय से जरूर आगाह करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ताकि हर अपडेट तो है, जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। इजाज़ दीजिए, अल्लाह हाफिज़।